गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा लेसन जो चालू था वारिस कौन, ठीक है। अभी इसका हमने जो है ना काफी सारा कर लिया है, लेकिन पेज नंबर 3 का जो लास्ट पैराग्राफ है वो बाकी बचा वाला है, तो वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो खोलो, नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं है। अभी हमारा लेसन नंबर 2 वारिस कौन एंड पेज नंबर 3। ओके, तो हमने इस स्टोरी में यहाँ तक देखा कि ये 4 बहनों की कहानी है, एक राजा है, उसको 4 बेटियां हैं और अपनी बेटियों को राजा 100-100 गेहूं के दाने देता है, ठीक है, और उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों से 5 साल बाद ये लूंगा, आप इसे संभाल के रखो, ठीक है। तो ये अब उसकी लड़कियों ने क्या क्या किया वो मैंने बताया था। पहली जो लड़की थी उसने तो वो बिल्कुल खिड़की के बाहर फेंक दिए, ठीक है, ऐसा करके मैंने सभी चीजें बताया था कि किसने क्या किया था। और दूसरी वाली ने तो अपने वो गेहूं के दाने को एक डिब्बी में रख के और फिर संदूक में रखा, तो ऐसा करके किया। और तीसरी वाली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फोर्थ वन वाली बहुत ही क्रिएटिव थी, तो वो भी उसने क्या किया, उसको भूंज भूंज के अच्छे से गेहूं के दानों को और अच्छे से खा लिया। अब तीसरी वाली ने जो थी उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ताकि जैसे मेरे बाकी बहनों ने किया है तो मुझे क्या करना चाहिए, वो सोचते रहती है। और उसके बाद में वो खिड़की पर खड़े रह के जब सोचते रहती है तो उसको ध्यान में आता है कि मेरी बहन ने जो ये गेहूं के दाने खिड़की के बाहर जो फेंक दिए थे उसमें से फोम निकलना शुरू किया था, मतलब स्प्राउट्स आने शुरू हो गए थे। अगर मैं भी कुछ दाने अगर उगाऊंगी फिर उसमें से अनाज उगेगा, फिर उनको स्टोर करके रखूंगी, फिर उन कुछ दानों में से और उगाऊंगी, तो ऐसे करके मेरा बहुत सारा 5 साल तक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते उसने ये सारा सोचा। और जो उसका ये सोच थी कि ठीक है आज मैं ये कर रही हूँ और उसको अच्छा भी लगा, तो ये हो गया। यहाँ तक हमने ये पहले कर लिया था, ठीक है। तीसरी राजकुमारी को अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लेते हैं। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। ये सारा ये पूरा पैराग्राफ कर लिया है। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया, मतलब 5 वर्ष उसने। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू म्यूट योर सेल्फ आदित्य पवार। उसने ऐसे 5 साल तक बहुत सारा गेहूं तैयार कर दिया, तो ये सारा चीज हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम जाते हैं 5 साल बाद राजा ने फिर, ठीक है, तो ये होता है पांच साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, कहाँ है वे दाने। अब जो तीसरी बहन है उसको पता था, उसको विश्वास था कि पिताजी ने बिना वजह तो हमें ये 100-100 दाने गेहूं के दिए नहीं है, और वो भी संभाल के रखने के लिए। जब पिताजी को पता है कि हमारा अनाज का भंडार भरपूर भरा पड़ा है तो हमें 100-100 दाने क्यों देंगे वो, कि आप लोग इसको संभाल के रखो, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बात है, इसलिए हमें ये पिताजी ने संभाल के रखने के लिए कहा है, और कुछ ना कुछ ये 5 साल के बाद में हमसे पूछने वाले हैं। तो ये तीसरी बहन को आया था,
पहली ने तो फेंक दिया, दूसरी ने तो संभाल के रख दिया, चौथी ने तो खा लिया भूंज के, और तीसरी ने फिर ये सोचा कि मैं अगर जैसे मेरी बहन ने खिड़की के बाहर फेंक दिया तो उसमें से पौधे उग आए। फिर इसको भी ध्यान में आया कि मैं अगर 5 साल तक कुछ दाने बोकर जमीन में और अच्छे से उनको उगाऊंगी तो मेरी हर बार नई फसल तैयार होगी, नई गेहूं आ जाएगी, ऐसे करके मेरा मेरे पास में बहुत सारा गेहूं का भंडार तैयार हो जाएगा। तो जैसी हो जाएगा और जब पिताजी 5 साल के बाद में मुझसे मांगेंगे तो मैं उन्हें वापस दे दूंगी वो 100 गेहूं के दाने। ये तीसरी बहन ने सोचा। अब समय आ गया, ऐसा करते करते 5 साल बीत गए। 5 साल बीत जाने के बाद में राजा ने अपनी चारों चारों बहनों को बुलाया और कहा कि यहाँ आ जाओ और बैठो, मैंने तुमको 5 साल पहले ना गेहूं के 100-100 दाने दिए थे कि तुम इनको संभाल के रखो, और 5 साल बाद मैं तुमसे वापस मांगने वाला हूँ, तो आज वो मुझे तुम लोग दाने वापस कर दो। ठीक है, ये कौन राजा मांग रहा है उनसे? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब जैसे ही राजा ने वो गेहूं वापस देने के लिए कहा, क्यों? क्योंकि राजा को तो पता है कि मेरी चारों जो है अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे इनमें से टेस्ट लेना पड़ेगा कि कल अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे मरने के बाद में मेरा ये जो राज्य है, मेरा ये जो किंगडम है, वो कौन संभाल सकेगा। इसलिए तो हमारा लेसन का नाम है वारिस कौन है, मतलब हमारा हमारा संभालने वाला कौन है, उत्तराधिकारी बोलते ना, उत्तराधिकारी। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे हमारे मरने के बाद में हमारा कौन संभालेगा बिजनेस, तो हमारे घर क्या बच्चा संभालेगा, तो ये ऐसे है। मतलब वारिस यानी अगर बहुत सारे हैं तो उनमें से किसी एक को देना पड़ेगा जो कुछ अच्छा रहेगा। आप लोगों ने अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में ना रामायण देखा होगा, तो रामायण में जो राजा दशरथ थे, तो दशरथ के चार बेटे थे, तो चारों बेटों में से राजा दशरथ ने किसको अपना पूरा राजपाट दिया संभालने के लिए? राम को। दशरथ के बाद में हालांकि मतलब वो सारा एक पूरा स्टोरी है कि कैकेयी माता ने क्या किया अपने बेटे के लिए, सोचा कि उसको ये मिलना चाहिए राज्य पूरा, वो राजा बनना चाहिए, लेकिन भरत नहीं बनता है। ठीक है, भरत नहीं बनता है और वो वेट करता है अपने भाई का, राम भगवान जी का, कि वो वनवास से 14 साल बाद आए और आने के बाद में वो ही संभालेंगे। तो मतलब उन सब लोगों ने सोचा होगा ना, उन सब लोगों ने देखा होगा ना कि आज इतना बड़ा साम्राज्य संभालने के लिए कोई अच्छा भी तो रहना चाहिए ना, जिसे दिमाग रहे, जिसे चलाते आना चाहिए, जिससे अच्छाई का पता रहना चाहिए, जिससे बुराई का पता रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी बन जाता है और चला लेता है। अब हमारे पास में ऐसे समझो कि बहुत सारे जन घर के पास में सब्जी बेचने वाले हैं, लेकिन हम भी तो देख के खरीदते हैं कि किसकी अच्छी है, फ्रेश है या नहीं, और रेट भी कंपेयर करते हैं कि वो हाँ वाकई एकदम बराबर रेट लगा रहे, कुछ गलत नहीं लगा रहे। तो सभी चीजें सोचते हैं ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो वैसे ही राजा भी तो सोचेगा ना किसी को अपना पूरा ये राजपाट देने के लिए कि अगला इंसान चला भी पाएगा या नहीं। तो ये राजा ने सोचा कि अब मैं कैसे क्या इन लोगों का टेस्ट लूं, इससे अच्छा मैं देखता हूँ इनकी इनका ब्रेन कितना काम करता, कितने ये अच्छे से सोच सकते हैं। ऐसा करके राजा ने ये एक उन लोगों से टेस्ट लिया और 100-100 दाने दिए। अब टाइम आ गया 5 साल बाद, तो राजा ने कहा कि मुझे तुम लोग ये वापस दियो जो मैंने तुमको 5 साल पहले संभालने के लिए दिया था गेहूं के 100-100 दाने। तो बड़ी राजकुमारी गई जहाँ पे भंडार पूरा भरपूर भरा पड़ा था अनाज का, जो राज्य का, तो वो जाके वहां से लेके आई। तो राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे कि या तुम कहीं और से लेके आई हो भंडार से? तो देखते हैं
अब हम नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर्थ से चलते हैं, ठीक है। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर मतलब मींस, यहाँ का मीनिंग है कड़क कर मींस स्ट्रांग, स्ट्रांग से, ठीक है, स्ट्रांगली पूछा कड़क कर, बहुत गुस्से से आकर भी, यानी एकदम उससे ऐसा राजा ने पूछा। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, पहले तो राजकुमारी ने बोला कि हाँ ये मैंने ही जो आपने दिए थे वही है, वही मैं आपको रिटर्न दे रही हूँ, ठीक है। तो मगर राजा ने जब उसको ऐसा गुस्से से और स्ट्रांगली पूछा, तो उसने फिर सच्ची बात बताई कि नहीं ये ऐसा नहीं है। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है, मतलब पहले जब सबसे पहले राजकुमारी ने पूछा तो पहले उसने बोला हाँ ये वही दाने हैं, लेकिन राजा ने फिर गुस्से से आकर पूछा कि ये सच्ची बात बताओ, ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो फिर राजकुमारी ने सच्ची सच्ची बात बता दी पूरी जो एक्चुअल थी। फिर राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ पे हैं। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से वो जहाँ जहाँ एक अच्छे से चांदी का डिब्बी में रखा, फिर उसको ये मखमल की थैली में रखा, फिर वो थैली जो है एक संदूकची में रखा था, तो वहां से गई और वो डिब्बी उठा लाई जिसमें से उसने गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। बिल्कुल सही सी बात है कि सड़ ही जाएंगे। अगर 5 साल किसी अनाज को न हवा लगेगा न कुछ होगा, और उसने ऐसा उनको स्टोर करके ऐसा रख दिया, तो कहाँ वो दाने रहेंगे, उसमें कीड़े वीड़े सब लग जाएंगे, या तो फिर वो सूख जाएंगे एकदम ऐसा, उसके सिर्फ छिलके रहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत तो हो गया। सेकंड राजकुमारी जब गई वहां से डब्बी खोली, उसमें से मखमल की थैली में से वो डब्बी को निकाला जिनको संदूकची के अंदर रखा था, इतने अच्छे से उन दानों को, 100 100 गेहूं के दानों को जो अच्छे से उसने रखा था, फिर वो लेके आती है, लेकिन खोलकर जब देखा तो वो दाने एकदम ही सड़ गए थे मींस खराब हो गए थे, किसी काम के लायक नहीं थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का, क्योंकि अभी राजा को पता चलते जा रहा ना कि मेरी कौन सी राजकुमारी सक्षम है इस सब चीजों को संभालने के लिए। तो तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी, ठीक है। अब तीसरी जब राजकुमारी से पूछा गया तो राजकुमारी ने बोला राजा से, अब मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे साथ बहुत ज्यादा दूर चलना पड़ेगा। तब तक आप ये जो और एक चौथी राजकुमारी है उससे भी पूछ लो, फिर हम साथ साथ चलते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने वो सावधानों का क्या किया है। तीसरी राजकुमारी ऐसे राजा से कहती है। अब बारी आ गई चौथी राजकुमारी की। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी, वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई, आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। अब जब चौथी राजकुमारी की बारी आई तो वो सबसे छोटी है, और मैंने कहा था कि वो बहुत ही नॉटी है, चंचल है, बेपरवाही, बेपरवाही मतलब किसी की परवाह नहीं करती, कोई भी चीज की परवाह नहीं करती, क्योंकि वो इनमैच्योर्ड है, मैच्योर्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो वो राजा से कहती है कि क्या पिताजी तुमको भी कुछ भी पड़ी है, तुमको इतना नहीं मालूम
कि वो 100 दानों की क्या कीमत है। ऐसे 100 दाने तो हमारे किधर भी गिरे पड़े रहते हैं, हमारे पास में इतना भंडार भरा पड़ा है, तुमको 100 दानों की पड़ी और तुमने हमको 100 दाने दिए ये है रखने के लिए कि इनको संभाल के रखो। और आपको तो और एक चीज पता है कि मेरे को ये दाने इतने अच्छे लगते हैं तो मैं इनको भून कर अच्छे से खा गई। क्या आप भी ये सब फालतू के चक्करों में पड़ जाते हो कि ये 100 दाने लो, इनको संभाल के रखो, 5 साल बाद मांगूंगा, अभी चलो भंडारे से आपको कितने दाने चाहिए मैं निकाल के देती हूँ, ये 100 दानों को तुम यहाँ पे आज हमको 5 साल के बाद में पूछ रहे हो। कुछ भी करते रहते हो आप, क्यों? क्योंकि वो नोटी है, ओर्तवन नोटी है, छोटी है, उसको कोई चीज की इतनी समझ नहीं है, ठीक है। बेपरवाह मिस, जिसको कोई परवाह नहीं रहती, मतलब कोई चीज की परवाह नहीं करता, अच्छा बुरा जो भी है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो इमैच्योर रहते, उनमें मैच्योरिटी नहीं रहती। और वो अभी पिताजी को यही बोल रही है, तुम भी क्या ये 100 दानों की कीमत कर रहे हो, जबकि तुमको पता है कितना सारा भंडारा हमारे पास में भरा पड़ा है और ये तुम 100 दानों के लिए पड़े हो, और तुमको तो पता भी है मुझे ये कितना पसंद आता है, इसीलिए मैंने इनको भुनवा कर खा लिया। चलो अभी तुमको चाहिए तो हम भंडारे से निकाल के लेके आ जाते हैं, तुम भी कई बातों में पड़ जाते हो। ऐसा कहकर वो चौथी वाली अपने पिताजी राजा जी से ऐसा कहती है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराश हुई, मतलब अपसेट हो गए। निराशा मतलब सभी के उत्तर यानी सभी के आंसर्स मिलने के बाद में राजा बहुत दुखी हो गया कि बाप रे ये सब क्या है, जिनको मैंने अपने मन में सोचा है, यानी उन्होंने अभी तक ये शेयर नहीं किया कि मैं तुम लोगों को ये 100-100 दाने क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ। लेकिन राजा की बात राजा ही समझ सकता है। अगर आज हमारे मम्मी पापा हम लोगों को कोई बोलते हैं चीज, ठीक है, तो उसके पीछे कोई रीजन रहता है कि आज जैसे ये कोरोना की महामारी चल रही है तो इसमें हमारे पेरेंट्स हमें जो भी चीज लगती है बेचारी अपनी लाइफ मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो बाहर जाते हैं हमारे लिए और ये कहते हैं कि हम लोग घर पे सेफ रहें, ठीक है ना, हम तुम्हारे लिए, तुमको जो चाहिए हमारे लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। तो उनके मन के अंदर कुछ बात रहती ना, यानी वो हमारा कितना सोचते हैं, और उनकी सोच में कुछ ना कुछ हमारी अच्छा ही रहती है जो हमें समझना चाहिए और उनकी बात सुनना चाहिए और उनका ओबे करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर हमने उन्हें बैक आंसर्स दिया, उनकी बात नहीं सुनी, हम बाहर निकल गए अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे, कुछ भी लेके खा रहे, तो वो अपसेट हो जाते हैं कि आज हम उनका अच्छा सोचते हैं और ये आज हमारे लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो राजा भी बहुत अपसेट हो गया कि ये क्या है, क्योंकि उनकी बात उनको ही पता है, राजा को ही पता है कि उन्होंने क्या सोचा है, उनकी मन में क्या बात चल रही है। वो राजा है तो उसने कुछ तो भी अच्छा ही सोचा है ना, क्योंकि उसको यही है कि आज समय है मैं अपना वारिस चुन लूं कि मेरे मरने के बाद में मेरा इतना बड़ा राज्य कौन चला सकेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं रहता है। जैसे हमारे घर में भी हेड ऑफ द फैमिली, उनको पूरा चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो सेम वैसे ही है राजा का भी कि कौन करेगा। तो राजा बहुत अपसेट हो गया कि मैंने चारों लड़कियों को मैंने ये दिया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं जिस हिसाब से मुझे उनका आंसर आया, मतलब मुझे थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी इन लोगों से, थोड़ा भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इन लोग ऐसे करेंगे। तो आप कंफ्यूज हो गया कि आखिर मैं अब क्या करूं। दूसरे दिन, नेक्स्ट पैराग्राफ, दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई, उसने कहा चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है, ठीक है। अब वो दिन तो राजा बहुत अपसेट हो गए चारों के आंसर सुन के और बहुत बहुत नर्वस हो गए, वो निराश हो गए, तो उन्होंने ना कुछ भी नहीं किया और चले गए। जाने के बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे जो तीसरी राजकुमारी ने उनसे कहा था कि मैं आपको
अगर मेरे से आप पूछ रहे हो कि मैंने 100 गेहूं के दाने कहाँ किए, तो उसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा दूर चलना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट डे वो तीसरी राजकुमारी राजा के पास जाती है और उनसे कहती है कि पिताजी आप चलो और मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो आपने मुझे वो 100 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ पे हैं। ठीक है, राजा रथ पर सवार हो गए, क्योंकि राजा पैदल नहीं जाता है। राजा अगर अपने किंग के बाहर निकलता है तो उनकी एक रथ रहती है, चैरियट, जो आप लोगों ने देखा होगा रामायण में भी महाभारत में भी। अभी ये लॉकडाउन में बहुत फेमस ये जो चल रहे थे। ठीक है, राजा ने पूछा आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने हुए 100 दाने, इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। अब राजा उसमें रथ में बैठ गए, ठीक है, रथ में बैठ गए और गए तो महल के बाहर, क्योंकि राजा महल के बाहर निकलते तो रथ निकालनी पड़ती है, और खेती महल के अंदर तो नहीं रहेगी ना, किंगडम के अंदर तो नहीं रहेगी, खेती तो किंगडम के बाहर रहेगी, तो रथ पे ही जाना पड़ा। गए और चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो राजा ने पूछा भाई आखिर मैंने जो तुमको 100 दाने दिए वो तुमने इतना दूर क्यों क्या किया है, कहाँ लगा कर रखे, और तुम मुझे कितने चक्कर लगवा रही हो, आखिर बात क्या है। राजा ने अपनी तीसरी राजकुमारी से पूछा। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। जैसे ही ये राजा पूछता है कि भाई आखिर तुम मुझे और कितने चक्कर लगवाओगे, आखिर तुमने मेरी वो 100 दाने कहाँ रखे हैं, तुमने क्या किया है जिसके लिए मुझे महल छोड़ के तुम इधर लेके आ रहे हो, तो ये आखिर क्या बात है। जब तक वो राजा ऐसे बात करता है तब तक वो रथ एक एकदम फुल्ली तैयार हरे भरे खेत के साथ आकर रुक जाता है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी और जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। अब जैसे ही रथ वहां पे हरे भरे खेत ऐसे हवा से लहरा रहे हैं, मतलब जब फुल्ली ग्रोन हो जाते, जब उसमें गेहूं पूरी लग जाती है, तो उनका वेट इतना हो जाता है ना, तो ऐसे थोड़े से वो झुक जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे झुकती हैं तो हवा थोड़ी भी आती ना तो वो ऐसे 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 पूरे हिलने लगती हैं। तो राजा जैसे ही उनका रथ रुक गया वहां पे, तो एकदम से जैसा गेहूं का खेत देखते हैं कि अरे बाप रे इतनी अच्छी फसल, तो जैसे ही वो हवा में ऐसी ऐसी खेत लहरा रही है, बालियां मीन्स वो खेत जो ऐसा लहरा रहा है, झूम रही है, मतलब हिल रही है पूरी, तो राजा को ऐसा लग रहा था इतनी खुशी हो रही थी, इतने खुश हो रहे थे राजा, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो हवा से हिल रहे हैं ना वो झूम रहे हैं, तो मुझे कुछ गाना सुना रही है, खुशी भरा गीत सुना रही है, ऐसा राजा को लग रहा था। ठीक है, गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा, हैरानी से मीन्स ऐसे मतलब ऐसा एकदम से बिल्कुल शॉक्ड होके कि उनके ऊपर देख रहे हैं राजा, किसके ऊपर, तीसरी राजकुमारी के लिए, ऐसा उनको हैरानी से देखा। राजकुमारी ने कहा पिताजी ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं, मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। अब राजकुमारी ने कहा पिताजी आपने जो 100 दाने दिए थे उनमें से कुछ दाने मैंने बो दिए और आज ये लाखों लाखों दाने बन गए, और आज आपके सामने में ये कुछ दाने फसल बनकर ऐसा बिल्कुल ऐसा तैयार खड़ी है, मैंने आपके वो 100 दानों को इसमें बो दिया और इतनी अधिक फसल तैयार की है कि मैंने कई सारा भंडारा भी तैयार करके रखा है, ऐसा राजकुमारी राजा से बोलती है। ठीक है,
डाने बहुत राजा ने, आप लोग ये पिक्चर देखो, इसमें ये पिक्चर दिखाने के लिए मैंने आप ये पेज को ऊपर किया है। ये राजा देखो, ये अपनी तीसरी राजकुमारी के साथ, और यहाँ पे वो राजकुमारी लेके गई है और उन्हें वो फसल दिखा रही है। ठीक है, ये पिक्चर में मैंने आप लोगों को इसी के लिए इसको ऊपर किया। तो ये हो गया, यहाँ तक राजकुमारी के पास आई और राजा को लेके गई। ठीक है, इतनी अधिक फसल तैयार हो गई। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। राजा खुश हो गया ये देख के, ये सुन के, क्योंकि उसने मतलब प्रूव कर दिया अपने आप को। और राजा भी निश्चिंत हो गया, निश्चिंत मीन्स अब उसका ब्रेन एकदम ये हो गया, तैयार हो गया कि यस, मैं अब जो भी डिसीशन लूंगा वो सही ले सकूंगा। एकदम रिलैक्स हो गया, निश्चिंत हो गया मीन्स रिलैक्स हो गया कि अब मैं अपनी सच्ची उत्तराधिकारी, मेरी तीसरी राजकुमारी को बना सकता हूँ। उत्तराधिकारी मीन्स वारिस को, जो उनका राज्य, जो उनका महल पूरा संभाल सकती है। तो राजा अभी एकदम रिलैक्स हो गया और उसने सोचा कि यस बेटी, जो भी तुमने किया है बहुत अच्छा किया है। तो ये लेसन हमारा यही खत्म होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके जो एक्सरसाइजेस है वो मैं आप लोगों को भेजूंगी। तब तक के लिए इसमें जो आप लोगों को ये दिए गए हैं कुछ शब्द वाटिका, ठीक है, शब्द वाटिका जो है उसको आपको आपकी नोटबुक में लिख देना है, वो लिखो और इस लेसन को रीड करो। एक बार नहीं, दो बार रीड करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें से जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे अंडरलाइन करके लिखो नोटबुक में, टू टाइम्स लिखो, ताकि आप लोगों को वो हार्ड नहीं जाएंगे। जब कभी भी हमारे मैं टेस्ट लूंगी, डिक्टेशन वर्ड्स लूंगी, तो आप इसे लिख सकोगे। शब्द वाटिका है वो भी आपको नोटबुक में लिख देना है। बाकी जो भी इसकी एक्सरसाइजेस है वो मैं आज आपको भेजने वाली हूँ। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट्स है इसमें से, कोई भी वर्ड अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो वो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लेकिन जो होमवर्क दिया है वो आप सब लोगों को कंप्लीट करना है, और मैं आप लोगों को इसका पेज भी भेजने वाली हूँ। और बुक्स लेने की बहुत जल्दबाजी ना करो, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही मिनट बाकी है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक 2 सेकंड्स के लिए अपना वीडियो ऑन करो, ताकि हम सभी अपने आप को एक दूसरे को हेलो और बाय जरूर करेंगे। ओके, सो अपना ध्यान रखो, अपनी पेरेंट्स का सोचो, उनको भी हेल्प करो, और जो कुछ भी बोलते हैं उनकी रेस्पेक्ट करो। ओके, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ऑन योर वीडियोस। यस, सभी लोग, सिद्धांत, तेजल, राजरत्न, लीना, सभी जन अपना वीडियो ऑन कर सकते, ताकि मुझे देखना है कि आप लोग यस फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके लेसन सुन रहे थे या नहीं, कि बस ऐसा हाँ मैम बोलते जा रही है, बोलने दो, हम इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से सोचना है, अच्छे से इसको लर्न करना है। और मैं आप लोगों से अभी और एक चीज ये बता रही हूँ कि अभी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, 7th स्टैंडर्ड तक ये ओके है, 8
नाइन टेंथ का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है. सो व्हेनेवर आई जस्ट एक्सप्लेन द लेसंस, यू हैव टू पे अटेंशन, यू हैव टू लिसन केयरफुली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड हियर आफ्टर हाउ यू हैव टू डू. अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करके सुना है ना, तो आप अपने मन से क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो. एज इट इज मैं जो दे रही हूँ वो लिखो, कोई बात नहीं. लेकिन जब कभी भी आज से ये 8th स्टैंडर्ड से ट्राई करो कि जब भी आपको कोई भी मैं क्वेश्चन दूं, कोई भी जो मैंने आप लोगों को नहीं भी लिखवाया हो, तो भी आप उसके एबल रहें आंसर्स लिखने के. वो तभी पॉसिबल होता है जब आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया है, तो आप अपने मन से इसके आंसर्स लिख सकते हो. सपोज इसका मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट आपने दो या तीन लाइन में भी आंसर्स लिख दिया, देन ऑल्सो टीचर्स विल गिव यू द फुल मार्क्स. क्यों? क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सब्जेक्ट पूरा लिखा है. तो आपको जरूरी नहीं है कि 10 लाइन लिखना है. अगर आपने उसको 3 लाइन में भी लिखा लेकिन मैटर कवर किया है जो क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का हक है और टीचर्स देंगे भी. और यही चीज 8, 9, 10th में फॉलो करना है. ओके, सो टिल दैट टाइम टेक प्रिकॉशंस, स्टे होम, स्टे सेफ. All of you, whatever I gave the homework, that you have to do it in your notebooks. Till that time, goodbye all of you. Take precautions. Okay? Best of luck. Thank you. Bye. Have a nice day all of you.